क्योंकि आप हो निकम्मे, आपको पड़ी हुई गंदी आदत, आप प्रॉफिट कमाते हो घर ले जाते हो, प्रॉफिट कमाते हो घर ले जाते हो, घाटा होता है घर से लेके आ रहा हूँ। थर्ड ग्राउंड लेवल स्टाफ होता है ना, वो टूट जाता है, और 5,000 से 10,000 में एक जो सीनियर लेवल का एम्प्लॉय वो टूट जाता है, और 10,000 से 20,000। पता है बिजनेस ओनर कब फेल होता है? जब क्रेडिट में आपके बाद आया हुआ बंदा आपसे ज़्यादा कामयाब हो गया, आपसे ज़्यादा बड़ा सेटअप कर लिया, अपने यहाँ रखते हैं, सैलरी देते हैं, उसको पुचकारते हैं, उसको सिखाते हैं, और जब वो सीख जाता है तो भाग जाता है। कि सबसे पहले अपना निकम्मापन दूर करो, अपने ऊपर काम करो। बिल्कुल, ये जो कहावतें हैं ना, ये कहीं ना कहीं कोई घटना हुई होती है, उसके बारे में किसी ने कुछ कहा होता है, और बाद में वो बात प्रचलित हो जाती है। आपने अक्सर लोगों को कहावतें बोलते हुए सुना है, ये कहावत मैं भी आपको यहाँ बता देता हूँ। कई जगह लिखा है कि भाई गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। अरे क्या किसी को भी गुरु बना लेंगे क्या? आपको ये पता तो होना चाहिए यार, जिस गुरु के सानिध्य में मैं जा रहा हूँ उसने उस चीज़ में महारत हासिल की है नहीं। आपको धनुष बाण चलाना सीखना है, लेकिन आपने एक ऐसा गुरु बना लिया जो गदा चलाने में एक्सपर्ट है, तो क्या आपको धनुष बाण चलाना सिखा देगा? नहीं। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि गुरु बनाओ जान के। ये जान लो कि जिस गुरु से आप चीज़ें सीखने जा रहे हैं उसने अपनी रियल लाइफ में वो किया भी है नहीं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 98% बिजनेस कोचेज ने रियल लाइफ में बिजनेस नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन पर दूसरी कहावत लागू होती है, कौन सी? कि नीम हकीम खतराए जान। अब नीम हकीम खतराए जान क्या? एक बंदे ने देखा यार एक गाँव के अंदर ना उसका काम नहीं चल रहा है, लेकिन वहाँ देखा सबसे बढ़िया काम किसका चल रहा है? वो हकीम साहब का चल रहा है। और हकीम साहब की एक आदत थी कि वो कोई भी दवाई देते हैं उसमें नीम का पत्ता भी डाल देते हैं। तो उसने कहा नीम का पत्ता ही तो देना है, मैं भी हकीम बन जाता हूँ। हकीम बन गया, वो जो आए उसको नीम का पत्ता दे दे। लेकिन उसके मरीज जब ठीक नहीं हुए ना, तब समझ में आया कि बिज़नेस उसका है ही नहीं, मरीजों के साथ धोखा हो गया है। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। बिजनेस में अगर आपने बिजनेस में सक्सेस हासिल नहीं की, तो आप कैसे बिजनेस में किसी को कोच कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, नीम हकीम खतराए जान की तरह बिजनेस कोचेज भरे पड़े हैं। तो बिजनेस कोच वो होना चाहिए जिसने रियल लाइफ में बिजनेस किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे देश में बिजनेस ओनर है वो बिजनेस में तरक्की करना चाहता है, लेकिन हमेशा रोता रहता है यार सेल नहीं आ रही, यार टीम भाग जाती है, या कैश मेरे पास कम पड़ जाता है। अब पूछो क्या प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में, छोड़ो ऐसे बिजनेस को। कहते नहीं प्रॉफिट तो अच्छा है उसमें, पर कैश फ्लो ना ठीक से नहीं हो पा रहा है। यार प्रॉफिट अच्छा है, मार्जिन अच्छा है, सेल अच्छी है, फिर भी कैश फ्लो नहीं हो रहा, लेबर को मैनेज नहीं कर पा रहे। यार हम जैसे तैसे एक बंदे को बुलाते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, सैलरी देते हैं, उसको पुचकारते हैं, उसको सिखाते हैं, और जब वो सीख जाता है तो भाग जाता है। ये प्रॉब्लम है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि राइट वर्कफोर्स कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे अपने काम में लेकर आएँ, कैसे उसके सहारे से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाएं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? बिजनेस ओनर है, ससुरा निकम्मा है एक नंबर का। अब निकम्मा कैसे? आप कहोगे कि यार मैं तो अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ सर, ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो रही, आप मुझे निकम्मा कह रहे हो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। एक बात बताओ, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं क्या उस इंडस्ट्री में आपसे बड़ा कोई नहीं है? अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आप ही की इंडस्ट्री में आपके बाद आया हुआ बंदा आपसे ज़्यादा कामयाब हो गया, आपसे ज़्यादा बड़ा सेटअप कर लिया, आपसे अच्छे इंप्लॉई उसके पास हैं, आपसे अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, आपसे अच्छे रेट पर बेच रहा है, और आपकी तो उसने वाट लगा रखी है। पता है क्यों? क्योंकि कमी किसी और की नहीं है, कमी आपकी है। एज अ बिजनेस ओनर आप अपने दिल पर हाथ रख के एक प्रश्न पूछना अपने आप से कि आपकी औकात क्या है, समझे? आपकी औकात क्या है ये आप अपने दिल से पूछना, तो आपको पता चलेगा यार क्या मैं अपनी कंपनी में अपने ऐसे बंदे को हायर कर लूँगा। सच बताऊँ, बहुत सारे बिजनेस ओनर ऐसे हैं कि उनको उनके ऐसा अगर एक एम्प्लॉय दे दिया जाए ना, तो 3 दिन के अंदर लात मार के निकाल देंगे। पर आपकी कंपनी आपको क्यों नहीं निकालती? क्योंकि आप उसके मालिक हैं, आपने वो बिज़नेस खड़ा किया है, आप सच में उस बिज़नेस के काबिल ही नहीं हैं। आराम से कभी भी आ रहे हैं, कभी 10 बजे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं, कभी 2 बजे आते हैं, कभी 5 बजे आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। खैर ये एक अलग बात है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना टाइम डिवोट करते हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कितना क्वालिटी वर्क करते हैं। तो पहली चीज़ आपके आगे ना बढ़ने में सबसे पहली जो कमी है ना, वो आपकी है, क्योंकि आप ही की इंडस्ट्री में आप जैसे लोग आपसे कम अनुभवी, आपसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप नहीं कर रहे, तो इसमें कमी आपकी है। तो बिजनेस ओनर सबसे निकम्मा है, उसके कंपनी में उसके से एम्प्लॉय को रखने के लिए तैयार नहीं होगा, और रखेगा तो 3 दिन में निकाल देगा। तो करना क्या है? सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। आप यार अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट में, जो भी आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ना रिसर्च ही नहीं करते हैं। वही पुराना ढर्रा चला आ रहा है, जिस तरीके से सेल कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। हम तो ऑनलाइन नहीं करते, हम तो मार्केटिंग नहीं करते, अरे हमारी तो माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। ये आपके एक्सक्यूजेज हैं, है ना? मुझे तो रेफरेंसेस से काम मिलता है। अरे कितने रेफरेंस मिल जाते हैं आपको पता है? 100 में से 98% सेटिस्फाइड क्लाइंट भी
केवल उनमें से 5% लोग ऐसे हैं जो रेफरेंस देते हैं, अब उसी के व्यापार आप तीर चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप में परिवर्तन करना है, जो जो आपके माइंड के ऑब्स्टेकल है ना कि यार हम क्लाइंट को खुद कॉन्टैक्ट नहीं करते, इसको जरूरत होती है वो हमें कॉन्टैक्ट करता है, तो ये बहुत बड़ी कमी है आपकी। आपको ये पता ही नहीं है कि क्लाइंट को कैसे राइट तरीके से फॉलो करके सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है ना, क्योंकि ड्रीम डिज़ायर और डेस्टिनी में अंतर है, ड्रीम डिज़ायर एंड डेस्टिनी में अंतर है। एक क्लाइंट का ड्रीम है एक प्रोडक्ट लेने का, अभी तुरंत उसको डिज़ायर नहीं है, उसने बात तो आपसे कर ली थी लेकिन आया नहीं, आपको लगेगा जरूरत होगी तो खुद ही आएगा। डेस्टिनी कब, जब उसको सख्त जरूरत पड़ जाएगी, तो आपके पास फॉलोअप की राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि यार अब फॉलोअप की स्ट्रैटेजी थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें क्या है कि सबसे पहले आपके पास जितनी क्वेरीज आएँ उनको आप नोट डाउन करो। बिजनेस ओनर है, खुद ही का नंबर लगा हुआ है, कहीं बिजी है तो बात कर रही, हाँ सर हमारा ये ऑफिस है, ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये रेट है, और रख दिया, नंबर नोट नहीं किया। कई बार आपने एक बात सुनी है, कई बार आपका क्लाइंट ये कहता है कि भाई साहब बहुत दिन पहले मैंने आपको कॉल किया था और मुझे चीज़ की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन यार पता नहीं कहीं नंबर आपका मिस हो गया, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है। अरे तो शुक्र है उसको मुश्किल से मिल गया। बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जिनको मुश्किल से क्या, ढूंढने पर भी वो नंबर नहीं मिल रहा है, फ़ोन है फॉर्मेट हो गया। तो ज़रूरत क्या है, आप कॉन्टैक्ट करते रहें। वो एक कहावत सुनी है ना आपने कि खटखटाओगे तो ज़रूर खुलेगा और मांगोगे तो ज़रूर मिलेगा। तो दरवाज़ा खटखटाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके क्लाइंट को रेगुलर फॉलो करें और मांगें कि आप उनको सेल देना चाहते हैं, आप उनसे पैसा मांगना चाहते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले अपना निकम्मापन दूर करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी लर्निंग पर काम करो, अपने स्किल्स पर काम करो, अपने टाइम डिवीजन पर काम करो, अपने पेमेंट स्ट्रक्चर शेड्यूल पर काम करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग ये रोते रहते हैं कि भाई प्रॉफिट, भाई कई बिजनेस ओनर मुझसे क्या कहते हैं कि सर कैश फ्लो मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा, बिजनेस में प्रॉफिट भी अच्छा है, सेल वॉल्यूम भी अच्छा है, पर बचता नहीं है कुछ भी। और कई बार तो ऐसा होता है कि घर से लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये सवाल पूछता हूँ, आपका घर क्या कुबेर का खजाना है? क्या वो पैसा वहाँ पहले से भरा पड़ा था? आपका पुश्तैनी पैसा है जहाँ से आप निकाल निकाल के दे रहे हैं? प्रॉब्लम पता है क्या है, आपने बिजनेस में पैसा आने पर निकाल लिया, वो आप अपने घर ले गए, कंज्यूम हो गया तो ठीक, नहीं तो रखा हुआ है सेविंग में, और जब जरूरत पड़ी तो आप घर से लेकर आ रहे हैं, फिर कहते हैं मैं घर से लेकर आया हूँ। ये सबसे बड़ा मिथ है। आपको करना क्या है, सबसे पहले बिजनेस का एक प्लान ये समझना है कि पूरे साल में मेरे पास कितनी कितनी सेल आती है, किस किस महीने की एवरेज सेल कितनी है। किसी किसी महीने में सेल तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना होगी, कुछ मंथ ऐसे भी होंगे जिसमें 0 होगी, कुछ मंथ ऐसे भी होंगे जिसमें 10% 20% 30% होगी। तो करना क्या है, सेल्स के स्ट्रक्चर को समझते हुए आपको कैश मैनेजमेंट समझना है कि मेरे पास कैश का इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। अगर आप सारा पैसा घर ले जाते हैं तो घर से लाना ही पड़ेगा, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि पैसा मैं घर से लेके आ रहा हूँ। दूसरा, आपकी परचेज पॉलिसी ठीक नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि कितना माल आपके स्टॉक में। कंज्यूमर का कॉल आया, बायर का कॉल आया, क्लाइंट का कॉल आया, वो कहता है मुझे इस चीज़ चाहिए, आपने चेक किया है वो स्टॉक में नहीं है, तो आपकी परचेज पॉलिसी अच्छी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, गाड़ी चलाते हैं ना, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी आप चलाते हैं, व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक रिजर्व होता है। और रिजर्व का मतलब क्या है कि अब आपको ये पता लग जाएगा कि अब रिजर्व लगा है तो अब मेरी गाड़ी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक चलेगी। एक लिमिट है ना रिजर्व डीजल की, पेट्रोल की, कि कितनी देर तक वो गाड़ी चल सकती है। अरे ईवी में भी रिजर्व है यार, लास्ट वाले 3 लाल पॉइंट हो जाते हैं कि अब ये गाड़ी 60 किलोमीटर और चल सकती है। तो आप अपने परचेज में रिजर्व लगा के रखो कि भाई कितना स्टॉक मेरा रिक्वायर्ड रहता है, जो मेरे पास हमेशा होना चाहिए, अगर ख़त्म हो रहा है तो मुझे नया स्टॉक कैसे करना है। दूसरा, आपको लगता है ना आप परचेज बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में परचेज डिपार्टमेंट क्यों होता है? स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर समझता है कि यार मेरे पैसे से कोई और मेरे लिए माल खरीदेगा मुझसे बेहतर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ध्यान से समझो, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स में परचेज डिपार्टमेंट होता है, और परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, आपके लिए परचेज करना। और वो कैसे करते हैं, क्योंकि 8 घंटे वो बंदा वही काम कर रहा है, तो वो जितने भी सप्लायर हैं, वेंडर हैं, जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, उसके ट्रेडर हैं, उसके डीलर हैं, उसके इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं, उन सबसे बातचीत करते हैं, उन सबको अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, उन सबसे कॉस्ट शीट मंगवाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन मंगवाते हैं, और कंपेयर करते हैं किसका प्रोडक्ट, किसकी क्वालिटी बढ़िया है। तो परचेज डिपार्टमेंट अगर आप नहीं बना रहे तो कम से कम परचेज पॉलिसी तो अच्छी बनाएं। और परचेज पॉलिसी में अगर आपकी बाइंग कॉस्ट भी घट जाती है, अगर आपकी बाइंग कॉस्ट भी घट जाती है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसीलिए अच्छी परचेज पॉलिसी बनाएं। ट्राई टू फाइंड आउट न्यू सप्लायर, न्यू वेंडर, न्यू एजेंट, जो आपको कॉम्पिटिटिव रेट पर नई चीज़ दे सके। तो ये तो बात रही परचेज को लेकर। अब लोगों के साथ एक दिक्कत और भी है, यही रोना स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर का रहता है कि सर पहली बात तो कच्चे में काम करते हैं, इसीलिए जो माल देते हैं उसकी कच्ची पर्चियाँ होती हैं, और कई बार पैसा डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि आपने सही तरीके से क्रेडिट पॉलिसी डिज़ाइन नहीं की।
आप किसी व्यक्ति को माल बेच रहे हैं तो आपकी क्रेडिट पॉलिसी फिक्स होनी चाहिए कि मैं वीकली पेमेंट लूँगा, मैं मंथली पेमेंट लूँगा, मैं 3 मंथ में पेमेंट लूँगा। 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वीकली हो गया, 1 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, 45 डेज हो गया, 15 डेज हो गया। आपकी पॉलिसी क्या है यार? आपने अगर पॉलिसी नहीं बनाई तो आपका पेमेंट डिले होता रहेगा, आपका जो बायर है ना वो आपको टालता रहेगा। और दूसरा, हर बंदे की एक क्रेडिट लिमिट फिक्स कर दें कि भाई ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है। ए कंपनी को मैं 50,000 रुपये महीने सारा का माल उधार नहीं दूंगा, अगला माल जब आएगा जब पिछली पेमेंट आ जाएगी, है ना। तो अब आप कहेंगे यार अगर उसने, मैंने ये कह दिया कि अगला माल जब आएगा जब पिछली पेमेंट नहीं आएगी वो किसी और से खरीद लेगा, तो इसका मतलब आपकी परचेज पावर अच्छी नहीं है ताकि आप कॉम्पिटेटिव रेट पर दे सकें। इसका मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि कोई बात नहीं मेरा काम कच्चे का है, लेकिन मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करूं? क्या मैंने उससे PDC लिया है, क्या मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, क्या मैंने चेक लिया है? कि सर आप मुझे चेक दे दीजिए, कोई बात नहीं, आप जब कैश देंगे तो चेक रिटर्न कर देंगे। तो क्रेडिट पॉलिसी डिजाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति की क्रेडिट की कितनी लिमिट होगी और लिमिट के साथ साथ क्रेडिट की ड्यूरेशन कितनी होगी। जब आप ये बना लेते हैं तो एक पेपर पर रफ स्ट्रक्चर बन जाता है। एक पता है बिजनेस ओनर कब फेल होता है? जब क्रेडिट में क्रेडिट इतना ज़्यादा हो जाए जितना सेल्स वॉल्यूम उसका होता है, मतलब 50-60-70-80-90% तक क्रेडिट हो गया और उनमें से 5 क्लाइंट भाग गए तो काम ठप हो जाएगा। एक बिजनेस ओनर से मैं मिला, उसने बड़े गर्व से कहा कि सर मेरे तो सिर्फ 2 ही क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं माल बनाता हूँ। मैंने कहा फिर? कह रहा सर मेरा पूरा फैक्ट्री सेटअप 2 क्लाइंट के ऊपर चल रहा है। मैंने कहा ये तो बहुत रिस्क की बात है, इनमें से एक मिस हो गया या दोनों ही मिस हो गए ना जिस दिन उन्होंने आपसे माल लेना छोड़ दिया, एक झटके में आपकी फैक्ट्री शटडाउन हो जाएगी। कह रहा सर मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, वो तो बड़े ब्रांड है। मैंने कहा वो बड़े ब्रांड माल लेना नहीं छोड़ते, उनको अच्छा वेंडर मिल जाए, उनको अच्छा सप्लायर मिल जाए, तुरंत आपको छोड़ेंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट मोर क्लाइंट, मोर बायर, मोर सप्लायर, मोर कस्टमर। उसके लिए ज़रूरत क्या है? अरे इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं यार, हम रोते रहते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखना है, सैलरी 30,000 है, 35,000 है, 50,000 है, 15,000 है, तो क्या ज़रूरत है? डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखो ना। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कौन है? सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपके लिए डिजिटल काम करने के लिए तैयार है। क्या? जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्टर इंडिया है, अलीबाबा है, ये सब तो है ही हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। आप ये देखो आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, किस तरह की वेबसाइट्स के जरिए आपको लीड आ सकती हैं या किस तरह की वेबसाइट के जरिए आपका माल बिक सकता है, ये आपको ज़रूर देखना है। सेल्स अच्छी होगी, कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा होगा, परचेज पॉलिसी अच्छी होगी, क्रेडिट पॉलिसी अच्छी होगी, तो आपको व्यापार में कभी लॉस नहीं होगा। लेबर मैनेजमेंट के लिए बहुत लोग रहते हैं, क्या कि सर बड़ी मुश्किल से हम बंदे को हायर करते हैं, और जब आपकी पता क्या आदत है कि कोई एम्प्लॉय आ रहा है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, आजा भाई मेरी कंपनी में, मुझे तेरी सख्त ज़रूरत है, और वो आइडेंटिफाई कर लेता है ये जो मालिक है ना इसका मेरे बिना काम चलने वाला नहीं है। एम्प्लॉय को अगर ये पता है ना कि भाई अगर मैं ढंग से काम नहीं करूँगा तो मुझे किक आउट कर देंगे या मुझे टर्मिनेट कर देंगे और मेरी जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय हायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एम्प्लॉय हायर कैसे करते हैं? आप हायर करते हैं यार कोई अच्छा ड्राइवर हो तो बताना यार, कोई अच्छा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो तो बताना, कोई अच्छा पीओन हो तो बताना, है ना, कोई अच्छा सेल्स पर्सन हो तो बताना यार, 2-4 डिजिटल मार्केटिंग वाले दे दो। एक दूसरे से मांगते रहते हैं, क्यों? आज तो इतनी बढ़िया बढ़िया वेबसाइट बनी हुई हैं, जॉब से संबंधित इतने सारे पोर्टल हैं, मैं भी आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखा दूंगा 5-6 पोर्टल, उनमें से किसी भी पोर्टल पर लिस्ट करो, रिज्यूमे मंगाओ, और रिज्यूमे मंगाने के बाद लोगों को सिलेक्ट करो, इंटरव्यू करो और रिक्रूट करो। प्रॉब्लम क्या कहती होती है कि हम स्टाफ को रिक्रूट तो कर लेते हैं, वो चीज़ों को जब हमारी कंपनी ज्वाइन करता है तो लगता है कि बड़े लंबे समय तक काम करेगा, जैसी चीज़ों को सीखता वहाँ चला जाता है। क्यों? एक कड़वी बात आपको बताता हूँ, कड़वी बात ये कहती है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर होता है ना, जो छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहा है, उस साले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एक ही आदमी से ज़्यादा काम कराता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्सन मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, मल्टी टास्किंग नहीं। आप भी तो हो, आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप परचेज भी करते हो, सेल भी करते हो, ऑपरेशन भी देखते हो, मार्केटिंग भी देखते हो, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हो, तो आप भी तो मल्टी टैलेंटेड हैं, पर मल्टी टास्किंग नहीं है, क्योंकि आप सारे ही काम कर रहे हो तो 8 घंटे डिवाइड हो जाते हैं उन सब में। लेकिन एक व्यक्ति जो 8 घंटे जिस काम के लिए हायर किया गया है, अगर आप उससे कोई और काम करा रहे हो, उसमें सबसे पहली गलती आपकी है। क्यों? मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, वो आपका सेल्स का बंदा है, सेल्स पर काम करता है, उसका काम है नए नए क्लाइंट से मिलना, नए बायर को दिखाना, नए प्रोडक्ट देना, नई लीड पर काम करना। आपने उसको लगा दिया परचेज में भी कि यार ये माल यहाँ से आ रहा है, रास्ते में जा ही रहा है, ये माल और ले आई हो, तो उसको दोनों चीज़ें पता लग गई, उसको सेल्स की भी पता लग गई, उसको परचेज की भी, उसको प्रॉफिट मार्जिन खुल गया। बहुत जल्दी समय में अगर वो माइंडेड बंदा है तो आप ही के सामने आपका कॉम्पिटिटर बन के आप ही के सेल्स के क्लाइंट को लेकर और आप ही के वेंडर से माल लेकर आपसे अच्छा प्रॉफिट कमा के आपसे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हो निकम्मे, आपको पड़ी हुई गंदी आदत, आप प्रॉफिट कमाते हो घर ले जाते हो, प्रॉफिट कमाते हो घर ले जाते हो, घाटा होता है घर से लेके आ रहा हूँ।
तो आपको करना क्या है, अगर आपका एम्प्लॉई किसी एक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है और उसके पास 8 घंटे का काम नहीं है, तो इसमें गलती उस एम्प्लॉई की नहीं, आपकी है। जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन की टीम है जो हमारे प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में इंस्टॉल करती है, और हमारे पास काम नहीं है, तो क्या मैं उसको सेल्स पे लगा दूं, मार्केटिंग पे लगा दूं, या उसको प्रोडक्शन पे लगा दूं? तो क्या होगा, उसको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। तो कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अरे हम तो अपने पियोन से मल्टीपल काम ले लेते हैं, कह रही है पियोन है चल ये काम कर रहा है, अब कुछ नॉलेज नहीं है तो चल एक काम करिए बिलिंग इकट्ठे कर ले, चल कुछ काम नहीं है तो मेरी ये फाइलें सेट कर दे, चलो और कुछ काम नहीं है तो, मतलब इतने सारे काम करा लेते हैं कि वो आदमी कई काम सीख जाता है, जिसकी वजह से वो घुर्राता देखता है यार मैं तो 5 काम कर रहा हूँ। अरे उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो मल्टी टैलेंटेड हो गया, मल्टी टास्किंग नहीं। जैसे मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर है, आपका इतना काम ही नहीं है कि वो कंप्यूटर ऑपरेट करता रहे, तो आपने क्या कहा यार ये कुछ सेल्स की लीड है इनको फॉलो अप कर ले, तो आपने क्या किया, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में आप उसको 8 घंटे की सैलरी ले रहे हैं, वो 5 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास काम नहीं है, तो वो 4 घंटे अब वो कहाँ यूज़ कर रहा है, टेलीकॉलिंग पर, मतलब टेलीकॉलिंग का काम सीख रहा है आपसे उस 4 घंटे की सैलरी लेकर, और फिर आप ही को दोष दिखाता है कि मैं तो 2 काम कर रहा हूँ, 2 नहीं कर रहा, जिस समय वो कॉलिंग कर रहा था उस समय वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग नहीं कर रहा था, समझ रहे हैं? तो ये एटीट्यूड डेवलप ना होने दें, उसको बताएं यू आर मल्टी टैलेंटेड नॉट मल्टी टास्किंग, एक समय पर एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, ये तो समझो कि मैं तुम्हें सैलरी भी दे रहा हूँ और नया काम सिखा भी रहा हूँ, और उस समय पर सिखा रहा हूँ जिसकी मैं सैलरी ऑलरेडी पे कर रहा हूँ। बात थोड़ी टेढ़ी है, कुछ इंप्लॉयज़ भी इस बात को सुनेंगे तो कहेंगे सर आप तो ऐसी बात बोल रहे हो, यार रियलिटी में मैं ये चाहता हूँ कि हर इंप्लॉई एक बिजनेस ओनर बने, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं वो अपने माइंडसेट को ऐसे तैयार करें कि यार हम चीज़ों को सीख कर समझ कर नेक्स्ट लेवल जाएंगे। और स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर जितना ज़्यादा एक एम्प्लॉय को सिखा सकता है, उतनी बड़ी कंपनी कितना कम सिखाती है, क्योंकि बड़ी कंपनी को पता है ये मल्टी टैलेंटेड हुआ तो मल्टी टास्क तो करेगा नहीं और यहाँ से भाग जाएगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसके पास उतना काम नहीं है तो उसके पास उतना काम लाने की जिम्मेदारी आपकी है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर वो 8 घंटे में 5 घंटे काम करके 3 घंटे खाली बैठा है तो इसमें आपकी गलती है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इतना काम लाएँ कि वो 8 घंटे काम करे। तो स्किल्ड लेबर भाग जाती है, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। अच्छा एक बात पूछता हूँ, आप ही की इंडस्ट्री में आप जैसा एक बिजनेस ओनर जो आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहा है, आपके जैसे रेट पर है, आपके जैसे तरीके पर है, वो आपसे ज़्यादा कामयाब हो गया, तो आप कहते हो कि उसके पास लोग अच्छे हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसके पास लोग अच्छे हैं तो इसका मतलब अच्छे लोग हैं, क्लियर, उसके पास अच्छे लोग हैं इसीलिए वो तरक्की कर रहा है क्योंकि अच्छे लोग हैं, आपके पास नहीं है क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि अच्छे लोगों को कैसे हायर किया जाए। अगर आपका की एम्प्लॉई टूट के कहीं जा रहा है तो उसका मतलब बाकी लोगों के भी तो की एम्प्लॉई टूटते होंगे, तो आपको वो स्ट्रैटेजी नहीं पता कि नए की एम्प्लॉई को अपनी कंपनी में कैसे लाकर दूसरे के बिजनेस सीक्रेट को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, लोग कहते हैं ना, मैंने काफ़ी बिजनेस कोचेस को ऑन स्टेज ये कहते हुए सुना है, एक एम्प्लॉई को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, और उसको इतना सिखा दो, इतना सिखा दो कि वो दूसरी कंपनी में जाए तो आपसे दुगनी सैलरी ले, लेकिन आपकी कंपनी को छोड़ के ही ना जाए। अगर कोई इसको डबल सैलरी भी ऑफर करे ना तो वो आपकी कंपनी छोड़ के ना जाए। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ी गलत स्टेटमेंट है। एक लेबर 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये अगर एक्स्ट्रा कहीं मिले ना तुरंत टूट जाती है, फैक्ट्री के लेबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो, आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है, अगर आपका 2000 का नुकसान करके भी उसको 100 का फायदा हो रहा हो ना तो अपना 100 का फायदा कर लेगा। हालांकि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन एक मेजोरिटी ऑफ लेबर ऐसी है कि मालिक का 1000 का नुकसान हो रहा हो और उसको 100 का फायदा हो रहा हो तो अपना 100 का फायदा करने के चक्कर में मालिक का 1000 का नुकसान कर देगा। लेकिन कुछ डेडिकेटेड भी हैं, वो कहते हैं नहीं, चाहे मेरा 100 का नुकसान हो जाए, साहब का 1000 का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे लोगों की टीम बनानी है, अपनी टीम में ऐसे लोग तैयार करने हैं। वो कब होगा, जब आपका लिंक अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी और आप अच्छा पे कर रहे होंगे। ये मिथ है कि आपके पास वो कम पैसे में काम कर लेगा, कोई और ज़्यादा पैसे देगा, अरे भाग जाएगा। 500 से 2000 में लेबर टूट जाती है, और 2000 से 5000 में जो थर्ड ग्राउंड लेवल स्टाफ होता है ना वो टूट जाता है, और 5000 से 10000 में एक जो सीनियर लेवल का एम्प्लॉय वो टूट जाता है, और 10000 से 20000 एक्स्ट्रा ऑफर में अच्छा बड़ा मैनेजर लेवल का आदमी टूट जाता है, और 50000 से 1.5 लाख के ऑफर में कई, आपको लगेगा यार तो बहुत बड़ी सैलरी हो गई, ऐसे ऐसे एम्प्लॉय भी जो कई के 1 लाख रुपये लेते हैं, 50000 से 1.5 लाख रुपये सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ये बेकार की बातें हैं कि उसको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो। अरे प्यार भी चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, और पैसा भी चाहिए, और वर्क कंफर्टेबिलिटी भी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी कंपनी में आप ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करें।
तो स्किल्ड लेबर भाग जाती है। ये बहुत घटिया स्टेटमेंट है उन बिजनेस ओनर की जिनको ये पता ही नहीं है कि स्किल्ड लेबर को कैसे हायर करें और हायर किए हुए लोगों को कैसे रिटेन करें। तो ये आपको समझना होगा, और ये आपको वो नहीं बता सकते जिन्होंने रियल लाइफ में बिजनेस नहीं किया। चलो एक बात बता देता हूँ, मान लो आपकी कोई प्रोडक्शन यूनिट है, फैक्ट्री है, या आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका बैग स्टॉक यार्ड में आपका स्टाफ है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका स्टाफ काम कर रहा है, दो बंदे आपस में लड़ाई हो गई, आपने एक बंदा कहता है आप दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक आपका स्टॉक देख रहा है, आपकी सेल्स देख रहा है, दोनों आपके लिए बहुत सख्त ज़रूरत के एम्प्लॉई हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेल वाले ने सेल कर दिया, अगर स्टॉक में नहीं है तो माल नहीं जाएगा, या स्टॉक में है और सेल वाले ने सेल नहीं की तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। वो कहता सर या तो मैं रुकूंगा या तो ये रुकेगा, अगर ये रहेगा तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा, और वो कहता है वो रहेगा तो ये छोड़ देगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि दोनों को पुचकार लो, दोनों को संभाल लो। इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम कैसे बिठाएं। और एक और बात ध्यान रखना, टीम ज़्यादा भी कोऑर्डिनेट हो जाएगी ना तो भी हावी हो जाएगी। आप देख लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पर होती हैं वहाँ लेबर यूनियन हो जाती है, वाट लगा देते हैं फैक्ट्री ओनर की। आप इंडस्ट्रियल एरिया में भी ये प्रॉब्लम है, आप दिल्ली में, इंडिया में कहीं भी स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहे हैं या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है किसकी है? उन ऑफिसर्स की है, उन लोगों की है, उन एसोसिएशन की है जो आपकी लेबर के पिन मारते रहते हैं। क्या मैं बताता हूँ एक रियल इंसिडेंट, हमारे एक रिलेटिव है, उनकी फैक्ट्री में एक वर्कर था, वर्कर ने ओवरनाइट काम किया, रात को उसने खूब ज़्यादा ड्रिंक कर ली, सुबह वो फैक्ट्री में आ गया, काम किया तो मशीन में उसका हाथ आ गया, हाथ टूट गया उसका। अब ये हाथ टूट गया तो ये क्या कंपनी की गलती से टूटा था या उसकी गलती से टूटा था? चलो एक अलग प्रश्न है, उसका हाथ टूट गया, मालिक को पता लगा हाथ टूट गया, हमारे रिलेटिव को पता लगा हाथ टूट गया, उन्होंने उस बंदे का बढ़िया से ट्रीटमेंट कराया, उसको 3 महीने की उसको लीव दी, वो भी पेड सैलरी पे कर रहे हैं, और 3 महीने वो उसको घर पर रहना, खाना पीना राशन सब उसका काम करा रहे हैं, उसको अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है ना मालिक की, क्योंकि पहली बात वो एक्सीडेंट हुआ था उसकी खुद की गलती से, फिर भी मालिक ने सोचा कि यार मेरा बंदा है, मेरे लिए काम कर रहा है, इतने सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, चलो इसको हेल्प करते हैं। हेल्प कर दी, सब कुछ ठीक हो गया, 3 महीने बाद उसको लेबर यूनियन के बंदों ने पिन मार मार के कि साले केस कर, साले केस कर, तो 8-10 लाख रुपये मिलेंगे, उनके ऊपर केस कर दिया। अब कहाँ रह गई वो मानवता, कहाँ रह गया वो मान सम्मान, कहाँ रह गया वो प्यार, कहाँ रह गया वो कोऑर्डिनेशन, कहाँ रह गया वो सपोर्ट सिस्टम? वो भड़काव में आ गया और उसने केस कर दिया। तो ज़रूरत क्या है? अपने आप को कानूनी रूप से सख्त बनाने की। और वो क्या होगा? आपके रूल एंड रेगुलेशन, आपके टर्म्स एंड कंडीशन, आपके सर्टिफिकेशन, आपके लाइसेंस, सब कुछ होना चाहिए आपके पास। रियल लाइफ में बिजनेस करना और उस बिजनेस में सक्सेस हासिल करना आसान तो है, लेकिन आसान के साथ साथ आपको उन चीज़ों को सीख कर समझ कर आगे बढ़ना होगा। बिजनेस से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कंसल्टिंग चाहते हैं कि भाई सर आपसे हम चाहते हैं कि आप मेरे बिजनेस में सपोर्ट करें, मेरी मेंटोरशिप करें, मुझे गाइड करें, तो आप वन टाइम कंसल्टिंग या रेगुलर कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें तो मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि आपके बिजनेस में क्या कब कहां कैसे करना चाहिए, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं और अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मेरी कंपनी है मेटास ओवरसीज लिमिटेड, जो एक स्मॉल स्केल बिजनेस से मैं लार्ज स्केल कंपनी तक लेकर गया। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रियल लाइफ में मैंने फेस की हैं, सब चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की हैं, उसके बाद मैंने बिजनेस में सिखाना शुरू किया। वो एक बहुत अच्छी स्टोरी भी आपने सुनी होगी, एक स्टोरी थी, वो स्टोरी क्या थी कि भाई एक महिला अपने बेटे को एक गुरु के पास ले गई कि गुरु जी ये मेरा बेटा है ना, ये गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है, सुबह भी गुड़ खाता है, फिर दोपहर में खाने के बाद खाता है, रात को सोते समय खाता है, दिन में भी खा लेता है, गुरु जी कुछ ऐसा बताओ कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो गुरु जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप 21 दिन बाद आना, मैं फिर सिखा दूंगा आपको। आपको पता है 21 दिन में आदत पड़ जाती है। जब 21 दिन बाद वो महिला गई अपने बेटे को लेकर, तो गुरुजी ने एक फार्मूला बताया कि भाई ये गुड़ छोड़ देगा। तो महिला को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये बात तो आप मुझे 21 दिन भी पहले कह सकते थे। तो गुरुजी ने कहा कि मैं भी गुड़ खाता था पहले, 21 दिन गुड़ छोड़ने की जो प्रक्रिया है मैंने उसको खुद फॉलो किया और चेक किया कि क्या मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। जब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया तब मुझे लगा कि अब इस बच्चे को बताओ कि गुड़ खाना कैसे छोड़ा जाता है। तो यही बात बिजनेस कोचेस के लिए भी इंप्लीमेंट होती है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी इंप्लीमेंट होती है, लाइफ में सक्सेस के लिए भी इंप्लीमेंट हो सकती है। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, माइंडसेट डेवलप करें, चीज़ों को सीखें समझें फिर इंप्लीमेंट करें, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।